है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली द सैमरश टूल, राइट। सो जो बेसिकली SEO में हमें किस तरह से हेल्प करेगा। सो यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट, आई जस्ट राइट डाउन द लिंक, और यू कैन गूगल द सेम सैमरश, और वो आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आ जाएगा, राइट। सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी, व्हाट एग्जैक्टली द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस फीचर्स आर, राइट। थोड़ा बहुत एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। सो दोज हु ऑलरेडी नो दिस थियोरिटिकल कंसेप्ट, सो मे डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन ट्राई जस्ट क्रिएटिंग द फ्री अकाउंट, और यहाँ पे आप अपनी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो क्विकली जस्ट आई शो यू द की एलिमेंट्स, और यू कैन से द फीचर्स, राइट, कि जो बेसिकली सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या फीचर्स किस तरह से SERP रिजल्ट्स में दिखाता है, राइट। सो बेसिक सर्च हमें पता है, सारी चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं एज अ सर्च इंजिन, राइट। बट मैनी ऑफ द थिंग्स वी डोंट नो, राइट, कि ये चीज़ को हम ये कहते हैं, राइट। वी नो वी हैव सीन द फीचर स्निपेट, बट इफ आई से व्हाट इज फीचर स्निपेट, तो मे बी हमें अगर नहीं पता होगा, राइट। रिव्यूज़, सो रिव्यूज़ हमें पता होगा, राइट। वीडियोज़, सो वीडियोज़ हमें पता है, बट एग्जैक्टली SERP में कहाँ दिख रहा है, राइट। नॉलेज पैनल, तो नॉलेज पैनल हमें पता है या नहीं पता, राइट। या फिर अगर पता है तो वहाँ वो बेसिकली हमें इन द SERP कहाँ दिखता है, राइट। जैसे एक सेशन हो गया पीपल ऑल्सो आस्क, सो ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, राइट। सो दिस आर द थिंग्स, दे आर स्मॉल बट दैट इज इंक्लूडेड इन द SERP एज अ रिजल्ट पेजेस, राइट। एड्स हो गए, रिच स्निपेट्स हो गए, राइट। सो ये क्या चीज़ें हैं, आई जस्ट क्विकली शो यू। सो फर्स्ट यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा सर्च इंजिन, कि जैसे भी हमने कोई भी कीवर्ड या फ्रेज यहाँ पे लिखा एंड वी जस्ट एंटर्ड, सो वी विल गेट दिस मच ऑफ रिजल्ट, राइट, कि जो बेसिकली दैट विल बी कॉल एज अ SERP, राइट। सो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सम ऑफ द सेक्शन दे विल बी कॉल द ऑर्गेनिक रिजल्ट, कि जहाँ पे आपकी साइट लिंक वगैरह भी होगी, राइट। यहाँ पे आपने ये भी चीज़ देखा होगा पीपल ऑल्सो आस्क, ऐसा करके कुछ चीज़ भी आती है यहाँ पे। सो आई विल शो यू डाउन, ऑर्गेनिक रिजल्ट आ गया, वीडियो SERP फीचर्स भी यहाँ पे आता है, राइट। साइड में जो हम यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, सो ये हमारा होता है नॉलेज पैनल, राइट। सो किस तरह से क्या चीज़ें दिखती है, विल चेक वन बाय वन। सो जैसे लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ सर्च की, व्हाट आर फ्लोट पॉड्स, राइट। सो इस तरह से कुछ हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, या यू कैन जस्ट सर्च फॉर एनी थिंग। सो इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन इन द टॉप, राइट, सो ये हमारा हो गया रिच स्निपेट, और वो बेसिकली होगा एट द पोजिशन जीरो, इसको हम बोलेंगे पोजिशन जीरो पे ये हमारा एक स्निपेट है, राइट। गूगल हाईलाइट अ पोर्शन ऑफ टॉप टेक्स्ट और वीडियो फ्रॉम अ वेबसाइट टू प्रोवाइड अ कंसाइज डायरेक्ट आंसर टू द यूजर क्वेश्चंस, कि जो भी हमें इस तरह से चीज मिलती है, राइट, तो ये हमारा हो गया स्निपेट्स। फिर वेन एवर जस्ट यू आर जस्ट राइटिंग एनी थिंग, लेट्स से कोई मार्वल कॉमिक्स लिखी या कुछ भी चीज़ ऐसी लिखी, सो वेन एवर यू आर जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ इन द SERP, जो बेसिकली साइड में हमारे दिखता है, राइट, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे साइड में इस तरह से दिखता है, दैट इज़ अ नॉलेज पैनल SERP, तो वो एक फीचर हो गया, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मार्वल कॉमिक्स की पूरी डिटेलिंग आ गई, राइट, फाउंडर कौन है, हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, फिक्शन जिनरस क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, राइट। सो इस तरह से जो चीज़ दिखता है दे आर कॉल एज अ नॉलेज पैनल। नेक्स्ट दैट आर द इमेज पैक, सो इमेज पैक अपीयर वेन एवर द गूगल लिंक दैट विजुअल कंटेंट विल सर्व अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट पेज, कि जहाँ पे ऐसा भी आपने देखा होगा वेन यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ बाई राइटिंग द वर्ड फ्रेजेस इमेजेस, तो इस तरह से आपकी इमेजेस सामना स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द SERP फीचर, जो हमारा होता है इमेज पैक। सो इमेज रिजल्ट्स में अपीयर एज अ रो और अ ब्लॉक
ऑफ रिलेटेड इमेजेस अमोंग द ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट में जैसे आपने जिस चीज़ का इमेजेस करके सर्च किया, राइट, सो दे विल बी अपीयर एज अ रो और एज अ ब्लॉक, राइट, जो भी उस रिगार्डिंग इमेजेस होगी वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। एंड वेन एवर वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज, सो वो क्या करेगा, वो आपको वो वेबसाइट पे वहाँ पे ले जाएगा, राइट। सो अगर ये इमेज आपकी है, अगर यही वेबसाइट में है सो यहीं पे रखेगा, या फिर अगर कोई दूसरे वेबसाइट पे वो लिंक कर रहा है, राइट, सो वो आपको पेज रीडायरेक्ट करके ले जाएगा दूसरी कोई और वेबसाइट पे। नेक्स्ट दैट इज़ द टॉप स्टोरीज। सो टॉप स्टोरीज में भी इस तरह से इफ़ यू आर जस्ट राइटिंग एनी थिंग लेट्स ए ट्विटर और एनी फेसबुक कंपनी और एनी फेमस पर्सनैलिटी, राइट, सो इस तरह से उसकी जो भी रिगार्डिंग टॉप स्टोरी होगी सो दे विल जस्ट अपियर एज अ टॉप स्टोरीज, राइट। सो टॉप स्टोरी प्लेस अ वैल्यूएबल रोल व्हेन द पीपल वांट अ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिग्निफिकेंट इवेंट। अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट स्पेसिफिकली इवेंट के बारे में अगर कुछ चीज़ जानना हो सो बेसिकली दैट विल कम एज अ टॉप स्टोरीज, राइट। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई वी कैन जस्ट ट्राई। सी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एरिया दैट यू आर गेटिंग एज अ टॉप स्टोरी, राइट। जैसे हम सी जैसे इमेजेस वगैरह भी इस तरह से हम देखते हैं, सो ये सारी चीजें आपने देखी हुई है। जस्ट थिंग इज दैट कि बेसिकली ये चीजें आपको टर्म क्या कहते हैं, मे बी पता भी हो सकता है नहीं भी पता हो सकता, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गेटिंग, ये हमारा हो गया एक नॉलेज पैनल, राइट। जैसे ये वाला सेक्शन हमारा पूरा हो गया, पैटर कॉल पीपल आल्सो आस्क, राइट। सो बेसिकली हम ऐसी छोटी चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे बेसिकली हम फोकस कर सकते हैं। वी कैन जस्ट ट्राई टू ऑप्टिमाइज आवर वेबसाइट एंड वी कैन जस्ट रैंक इट हायर, राइट। सो कहाँ पे ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ करने से SERP में रिजल्ट कहाँ पे दिख रहा है, राइट। आपको नॉलेज पैनल ही नहीं पता होगी सो यू कैन जस्ट नॉट टारगेट कि आपका डेटा आपकी वेबसाइट वगैरह यहाँ नॉलेज पैनल में आए। इफ़ यू डोंट नो, अगर आपका वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट या सर्च इंजिन्स में ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो बेसिकली दिव दे कैन आंसर फॉर द दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेट्स से विच इज़ द बेस्ट कार ऑफ टाटा, राइट। सो दिस इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक कंज्यूमर किस तरह से सर्च कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ वाई द कंज्यूमर बिहेवियर एंड फीडबैक सेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स कि किस तरह से वो सर्च कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली द ऑप्टिमाइजेशन एट माई लेवल या यू कैन से एट द बिजनेस लेवल, राइट। सो ऐसा नहीं कि हम ही ऑप्टिमाइज करते रहे और हमें पता ही नहीं कि बेसिकली यूजर किस तरह से आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। सो इन दिस रिगार्ड बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट एंड यू हैव टू ऑप्टिमाइज इन सच वे दैट दे कैन जस्ट अपियर इन द SERP, राइट। तो पीपल ऑल्सो आस्क, ये भी हमने देख लिया। साइट लिंक्स, तो लेट्स से आप मार्वल करके कुछ सर्च कर रहे हैं, सो दिस आर द थिंग्स दे आर कमिंग रिगार्डिंग द मूवीज, राइट। जैसे मार्वल है तो मार्वल मूवीज भी होता है, मार्वल कॉमिक्स भी होता है, सो दे विल अपियर एज हियर, राइट। सो ये आपका बन जाएगा साइट लिंक्स। नेक्स्ट दैट इज अ रिलेटेड सर्चेज, सो ये चीज़ भी एक सेक्शन आपका पूरा यहाँ पे हमारा होता है, राइट। यू कैन सी द रिलेटेड सर्चेज, सो पूरी चीज़ आपने ऑलरेडी देखी हुई है, राइट। जैसे शॉपिंग रिजल्ट हो गया, सो दैट आर कमिंग एज अ एड्स इवन। नेक्स्ट दैट इज अ रिव्यूज, सो इस तरह से भी हमने ये चीज़ देखा हुआ है कि रेटिंग्स वगैरह भी आती है, राइट। इतने सारे वोट्स यहाँ पे आए, राइट। इफ पीपल आर गिविंग द फीडबैक्स सो यू विल सी एज अ
स्टार और रेटिंग रिजल्ट और एज अ वोटिंग रिजल्ट, राइट। सो अगर आपका बिजनेस इस तरह से चल रहा है, राइट, कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड ऑन द रिव्यू बेसिस, रेटिंग बेसिस, बिजनेस ऑलमोस्ट रिव्यू एंड रेटिंग बेस पे ही चलता है, बट दोज आर मोर फ्रीक्वेंट, राइट, व्हेन द कस्टमर और यूजर्स आर मोर लाइकली टू सी द रेटिंग्स एंड वोटिंग, राइट। सो इस तरह से आपको ये चीज़ भी SERP में दिखाना ज़रूरी है, राइट। सो यू कैन जस्ट ग्रो योर बिजनेस एंड यू कैन जस्ट अट्रैक्ट द मोर कस्टमर्स टू योर वेबसाइट, राइट। आपका मैपिंग वगैरह ये चीज़ भी आप देख पा रहे हो, लोकल पैक, वीडियोस वगैरह भी यहाँ पे हमारे आ जाते हैं, ये होटल पैक्स हो गया, राइट। सो इस तरह से बेसिकली इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ यू हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, PA, टॉप स्टोरीज, इमेज पैक, वीडियो पैक, नॉलेज पैनल, राइट, फीचर स्निपेट, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, रिलेटेड फीचर्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबली अवेलेबल है। सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट पिक अप सम ऑफ द टूल्स एंड यू मे ट्राई फ्रॉम योर एंड। You. So I'll just show you one more example for the SERP simulator, right? So snippet में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आना स्टार्ट हुए, राइट। सो ये एक टूल है मैंगूल्स, सो इन गूगल SERP सिम्युलेटर। सो ये हमने देख लिया कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इस तरह से कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो आई शो यू इंटरेस्टिंग थिंग, सो आपको थोड़ा मजा आएगा यहाँ पे। सो जस्ट थिंक फॉर द सिनारियो वेयर यू हैव जस्ट डेवलप योर बिजनेस, आपने एक अच्छे IT टीम से अपनी वेबसाइट वगैरह बना लिया, राइट। सो यू आर हैविंग टू ऑप्शंस एज ऑफ नाउ, कि आपने डोमेन पे रजिस्टर कर लिया, आपकी वेबसाइट बन गई और आपके पास एक URL आ गया, राइट। सो आपके पास URL है एंड इफ यू आर राइटिंग इन दिस सेक्शन एंड इफ यू आर डूइंग द फैच डेटा, सो आपका सारा यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें वो फैच करना स्टार्ट कर लेगा, राइट। और यू कैन ऑल्सो से दैट कि ऐसा हमें नहीं करना है और हमें ये चीज़ पूरा सेट करवाना है, सो हाउ एग्जैक्टली दैट विल बी डन, राइट। सो आई विल शो यू वन बाई वन कि SERP में किस तरह से सेट करने पे क्या चीज़ दिखती है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज़ अ URL। सो URL में लेट्स से मुझे सेट करना है अपना URL www., जैसे हमें रखना है chahansirtech.com। सो ये मेरा हो गया एक कंपनी का URL जहाँ पे .com हमारा डोमेन है, राइट। अगर आप गवर्नमेंट है या फिर वो एक और कोई बिजनेस फॉर्म्स है या स्पेसिफिकली कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, सो यू मे राइट हियर अकॉर्डिंग टू योर डोमेन्स, राइट, किस कंट्री में कौन से फॉर्म में आपका डोमेन्स है, सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे URL सेट होगा, राइट। सो ये हमारा हो गया URL सेक्शन। नाउ लेट्स से यहाँ पे हम सेट करेंगे टाइटल, राइट। सो टाइटल हम दे देते हैं राइट, जैसे हमने टाइटल दे दिया बेस्ट टेक्निकल कंसेप्ट चैनल, ऑफ कोर्स विल बी सून विथ योर सपोर्ट, राइट। सो हम यहाँ पे हमारे फर्म के अकॉर्डिंगली किस तरह से टाइटल रखवाना चाह रहे हैं, राइट। सो हमारे यूजर और कस्टमर वगैरह यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, राइट, मैक्सिमम, और हमें क्रिस्प ऑप्टिमाइज यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि जैसे वी कैन जस्ट गेन द कस्टमर्स, राइट, वी कैन जस्ट हैव द मोर नंबर ऑफ ट्राफिक, क्योंकि
बेसिकली क्या होगा कि कस्टमर होगा तो बेसिकली एससीआरपी में ही यहाँ पे उसको ये सारी चीज़ें देखेगी, राइट। सो द मोर द रिलायबल, मोर द रिलेवेंट कंटेंट आप यहाँ पे जिस तरह से दिखाएंगे उस तरह से यूज़र वुड लाइकली टू क्लिक ऑन द वेबसाइट्स, राइट। दे विल लाइक टू चेक योर वेबसाइट, दे विल लाइक टू सी वॉट काइंड ऑफ सर्विसेस एंड थिंग्स यू आर ऑफरिंग, राइट। सो यहाँ पे हमने दे दिया दैट इज़ अ बेस्ट टेक्निकल कंसेप्ट चैनल, राइट। सो हमारी यू आर एल हो गई, हमारा टाइटल एक अच्छा बन गया। अब यहाँ पे जो हमारा सेक्शन बनता है दे आर कॉल्ड द मेटा डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे बेसिकली आई एम जस्ट यूजिंग द फ्री ट्रायल, राइट। सो इफ यू आर रनिंग बिजनेस सो यू वॉन्ट टू ऑफ फॉर सम गुड एसईओ टूल्स, यू मे जस्ट साइन अप एंड व्हाट आर द अमाउंट आर देयर यू कैन जस्ट पे एंड यू कैन जस्ट अवेल द मैक्सिमम सर्विस दे आर ऑफरिंग, राइट। सो यहाँ पे इफ यू आर स्टूडेंट सो नो नीड टू द साइन अप, अननेसेसरली पेमेंट नहीं करना है यहाँ पे अभी, राइट। जस्ट फॉर अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट यूज द ट्रायल वर्जन्स, राइट। और अगर बिजनेस फॉर्म्स हैं सो ऑफकोर्स यू कैन जस्ट गो फॉर द पेड वर्जन्स, राइट। सो यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे बढ़िया वाला, राइट। सो आई एम अ टैकी चैनल एंड वी आर ऑफरिंग यू द बेस्ट वीडियोज ऑन एनी टॉपिक यू डिजायर, वी आर गिविंग द विल प्रोवाइड यू 24x7 सपोर्ट, राइट। सो यहाँ पे मेरी एक लिमिटेशन आ गई है सो ज़्यादा मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। सो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट। सो आई एम अ टेकी चैनल, वी आर ऑफरिंग यू द बेस्ट वीडियो ऑन एनी ऑफ द टॉपिक यू डिजायर एंड वी आर गिविंग द बेस्ट सर्विस विद नो कॉस्ट, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इतना मैंने कर दिया, सो ऑफकोर्स यूज़र वुड लाइक टू सी दिस, बट अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें हाईलाइट कराना चाह रहा हूँ कि जिसपे यूज़र का तुरंत वहाँ पे फोकस जाए, राइट। जैसे कि यू कैन सी द डिफरेंस, इट मे पॉसिबल कि द यूज़र विल नॉट हैव फोकस ऑन अ नो कॉस्ट, राइट। उसको ये चीज़ लग सके कि ये चैनल है या तो ये फॉर्म है, बेसिकली दे विल चार्ज मी, राइट। सो व्हाट आई वांट कि यहाँ पे मैं इस तरह से इस चीज़ को बोल्ड करवा दूँ, राइट, या तो फिर इस तरह से हम कुछ हाईलाइट कर दें। आई गेस इट्स नॉट वर्किंग फॉर द इन्वर्टेड, राइट। सो दैट्स ओके। सो नो कॉस्ट हमने करवा दिया। सो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि ये जो चैनल है, ये फर्म है, दैट इज गिविंग अ नो कॉस्ट सर्विस, राइट। मुझे कुछ पेमेंट नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये चीज़ भी करा देते हैं, लेट्स से 24x7, राइट। सो यहाँ दो चीज़ें एकदम से हाईलाइट हो रही है कि ये कॉस्ट नहीं ले रहा एंड दैट इज गिविंग मोर 24x7 सर्विस, राइट। सो इस तरह से स्ट्रेटजीज चेंज होती जाती है, राइट। किसी ने ये चीज़ बोल्ड किया, किसी ने नहीं किया, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके बिजनेस को आगे ले जाएगी, राइट। एंड बेस्ट पॉसिबल ट्रिक और टैक्टिक्स से बेसिकली आपकी वेबसाइट को हायर रैंक पे लाना स्टार्ट करेगी, राइट। सो किसी को लग रहा होगा दैट इज़ सफिशिएंट कि अच्छा यूआरएल आ गया, टाइटल आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बट देर आर स्टिल थिंग्स दैट यू कैन जस्ट ऐड। सो जैसे मैंने एक डेट ऐड कर लिया, राइट। सो दैट इज़ गिविंग द डेट।
सो यहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चलती है कि मेरी वेबसाइट कितनी अपडेटेड है, राइट। लेटेस्ट डेटा मुझे मिल रहा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स मुझे मिल रही है, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमें पता चलती है, राइट। स्टिल देर आर फीचर्स, जैसे हमने पहले ही बोला, लेट्स से द रेटिंग्स। सो रेटिंग से भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारे जो चैनल है दैट इज़ 4.1 आउट ऑफ 5। ऑफकोर्स विल जस्ट ट्राई टू मेक इट 5 आउट ऑफ 5 और मे बी मोर देन दैट, राइट। सो वी एम ऑन द वेबसाइट यू आर गेटिंग लेट्स से 110 वोट्स। सो ये चीज़ें यूज़र को देखने में अच्छी लगती है, राइट। एंड ये चीज़ें ही यूज़र को एज अ फर्म विद द बिजनेस एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है, राइट। सो दैट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा हो गया, लेट्स सी फर्स्ट एड्स, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी कि अगर आपका चैनल एड बेस पे है सो यहाँ एड्स भी आना हमारा स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे मैप पैक है सो मैप्स पे भी आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ से ये चीज़ भी होना स्टार्ट हो जाएगी मे बी कि जैसे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, बैक लिंक्स वगैरह चीज़ है, ये सारे कंसेप्ट, राइट। सो इफ़ दिस आर द फर्म्स, दिस आर द बिजनेस नियर टू योर लोकेशन, सो दे वुड ऑल्सो लाइकली टू सी देयर बिजनेस एड्स ऑन योर चैनल्स, राइट। ये चीज़ भी पॉसिबल है, या तो आप भी अपना एड उनके डोमेन या उनके यूआरएल उनके वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, राइट। सो देर आर बोथ द चांसेस फॉर द बोथ हैंड, राइट। सो इस तरह से आप बेसिकली अपना SERP में थ्रू द SEO टूल्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन मोर फीचर, दिस वन वॉज आई गेस फॉर द डेस्कटॉप। और यहाँ पे हम ये चीज़ भी देख लेते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर सर्विंग और यू आर एक्सेसिंग द डेटा थ्रू द मोबाइल, सो इस तरह से आपकी जैसे हमारी ये वेबसाइट है सो मोबाइल पे आपको इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो बहुत पॉसिबिलिटी आर देयर। और आपके क्रॉलर्स जो है, जो पहले ही बोला था हमने कि क्रॉलर्स दोनों तरीके से वर्क करते हैं, डेस्कटॉप के भी होते हैं, मोबाइल के भी होते हैं, दे विल जस्ट ट्राई टू क्रॉल इफ़ यू आर यूजिंग द डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप के क्रॉलर्स होंगे, दे विल जस्ट ट्राई टू क्रॉल योर वेबसाइट, दे विल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट ई कंटेंट्स, कंटेंट्स अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट, एंड दे विल जस्ट ट्राई टू मेक द डेटाबेस, इंडेक्सिंग उसकी होगी, राइट। और फर्दर उसको रैंकिंग वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से पूरा आपका साइकिल यहाँ पे काम करता है।